पूरे हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता को पता है। और पहले भी इसकी वीडियो से वो बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि भाई तुम्हारे जा रहे हैं वहां पे। और चलो हम ये मानते हैं भाई, इतना प्रशासन फिर क्या कर रहा था? एसपी साहब छुट्टी पे क्यों गए? इतना बड़ा हादसा हो गया, आप सबको पता है, आप सब ने वीडियो भी देखी है। चार घंटे तक जो यात्रा निकालने वाले हमारे जो भाई थे, वे 4 घंटा मंदिर में रहे। क्या जिला मुख्यालय इतनी दूर हो गया क्या? वहां पुलिस 4 घंटे के बाद आप पहुंची? तो ये सब साजिश थी और बिल्कुल ये किसी पहले ही प्लान के तहत ये पूरा दंगा करवाया है। हरियाणा के सभी जिलों में हमने वीडियो भी देखी थी, उसमें कहा ये भी कहा जाता है भाई ये हिंदू मुस्लिम का दंगा है, हिंदू मुस्लिम का दंगा है, इसमें खाप आगे क्यों नहीं आती? भाई ये हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है, ये दंगा है सिर्फ जो वहां जो भगवाधारी बन के जा रहे थे और जो बिट्टू बजरंगी और एक उसमें और एक लड़का है जो अपने आप को गौ रक्षा दल का वो बता रहा है, मानेसर मोनू मानेसर, तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, खुद आए नहीं, और जो और बच्चे हैं औरतें हैं उनको छोड़ दिया वहां पिटवाने के लिए। तो ये बिल्कुल साजिश के तहत ये सारा काम हो रहा है। और इसमें मैं तो ये कहूंगा ये दंगा उन्हीं लोगों का है, उनकी आपस में खींचतान हो रही थी कई दिन से, उनकी आपस में गाली गलौच भी हो रही थी। हिंदू मुस्लिम का ये दंगा नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है, आप सबको पता है। इसमें है टोटल ही राजनीति भरी है, हरियाणा प्रदेश है, इसमें खट्टर साहब ने बयान दिया कि हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते। अरे जहां जिसको पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि भाई वहां यात्रा निकलेगी और वहां झगड़ा हो सकता है, क्योंकि ये बात हरियाणा के सदन में भी बात उठी है कि वहां मोनू मानेसर आया तो वहां उसके साथ झगड़ा हुआ, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई बिल्कुल सोच समझ के। ये बिल्कुल 2024 का जो इलेक्शन है उसका फायदा लेने के लिए बीजेपी सरकार करवा रही है। मोनू मानेसर को भी उसमें मोहरा बना रखा है, जो आया नहीं उसने बयान दे दिए ना, तो उसका ये फर्ज बना था कि वहां झगड़ा हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पुलिस होनी चाहिए थी और पुलिस सबका बचाव करती है। खाप हमेशा शांति के लिए, क्योंकि 36 बिरादरी से मिलकर खाप बनती है और 36 बिरादरी का जो फैसला होता है उसके ऊपर खाप कोई भी निर्णय लेती है। और खाप हमेशा, हम तो ये चाहेंगे हर खाप अपने क्षेत्र में, झज्जर जिले की खाप है उनका भी, उनकी जिम्मेवारी बना है अगर हमारे जिले में किसी तरह का भी कोई उत्पात हो या किसी तरह की कोई बात हो उसमें शांति बहाल करने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई शांति बनाओ, हर जगह शांति होनी चाहिए। ये नहीं है, कल भी मैंने एक वीडियो देखा था, बोले हांसी में ये मुस्लिम है समाज के लोग हैं वे छोड़ के निकल जाएं। अरे ऐसा नहीं है, कोई नहीं निकल सकता इस देश से, क्योंकि देश में सबका सबकी जिम्मेवारी है शांति के साथ और अपना भाईचारा बना के रहना चाहिए। और जिन्होंने वहाँ ये इतना अत्याचार किया है, दुकानें जला दी, गाड़ियां जला दी, हमारी माताएं बहनें थे, बच्चे थे, उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई है, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें कोई कोई सा पक्ष हो।